कहते हैं सियासत में कोई किसी का नहीं होता, हर गठबंधन में समय के साथ गांठ पड़ ही जाती है। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में कुछ इसी तरह की हलचल सामने आने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साइकिल पर जो भी सवार होता है वो बीच मझधार साइकिल से कूद जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय ने सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सपा की ओर से दोनों को गठबंधन छोड़ने के साफ संकेत दिए थे। पत्र में साफ तौर पर कहा गया था, सुभाषपा के नेताओं को लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई और ओम प्रकाश राजभर की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। राजभर ने कहा, ये पिछड़े और दलितों की आवाज उठाने का नतीजा है, हम इस तलाक को मंजूर करते हैं और आगे इसका जवाब भी देंगे। अखिलेश यादव चमचों और सलाहकारों से घिरे हैं। वहीं राजभर ने कई मौकों पर मायावती की पार्टी के गठबंधन करने पर अपनी रजामंदी व्यक्त की, लेकिन मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने किसी का नाम लिए बिना एक ट्वीट के जरिए राजभर की मंशा पर पानी फेर दिया और साफ कर दिया कि बीएसपी फिलहाल किसी के साथ गठबंधन पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीएसपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है। कुछ अवसरवादी लोग बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीति की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे स्वार्थी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और सुभाषपा ने चुनाव में 6 सीटों पर विजय भी हासिल की। हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सक्रियता पर राजभर ने फिर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अखिलेश को एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए। राजभर के इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच कलह की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा था कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। फिर राष्ट्रपति चुनाव में दोनों दलों के बीच खटास देखने को मिली। राजभर और उनकी पार्टी ने सपा से किनारा करते हुए एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया था। आखिर सुभाषपा की राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? पहले सपा से मनमुटाव और अब बसपा ने उन पर अवसरवादी का तमका लगा दिया। अब देखना होगा, राजभर बीजेपी की यारी करते हैं या एकला चलो की राह अपनाते हैं, ये तो देखने वाली बात ही होगी।